क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, आज ना मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ दो गन का, जो कि दोनों ही गन्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं गाइस। तो इनका कंपैरिजन अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ कि इनमें से कौन सी गन अच्छी है। तो गाइस, एक गन तो है S36 एवल क्लोन, और दूसरी गन जो मैं ले रहा हूँ वो है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो है UL736। तो गाइज, इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें जो है ना, UL736 का डैमेज रेट है 70% और इसका रेट है S36 एवर क्लोन का डैमेज रेट है 72%। तो गाइज, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसका जो डैमेज रेट है ना S36 का, वो भी 70% ही था, लेकिन इसको मैंने अपग्रेड करके 72% किया है। तो अगर डैमेज रेट की बात करें तो इन दोनों में से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2% का फ़र्क है। तो इसका डैमेज रेट इतना है, और अगर हम फायर रेट की बात करें तो फायर रेट जो है S36 एवल क्लोन का ज़्यादा है, जबकि UL736 का कम है। इसका जो फायर रेट है UL736 का गाइस, ये मैंने अपग्रेड करके 60% पर ले गया हूँ, और यही इसकी लास्ट स्टेज है। जबकि S36 एवल क्लोन का जो है फायर रेट, इसका 75% है फायर रेट। तो अगर हम फायर रेट की बात करें तो ये इसका ज़्यादा है, और अगर हम गाइस एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी जो है वो 41% है UL736 की, जबकि S36 का एवल क्लोन जो है एक्यूरेसी 31% है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत सारी गेमें खेली हैं जिसमें मैंने देखा है कि एक्यूरेसी S36 की नहीं है। अगर आप दूर का फायर कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, किल नहीं होता। तो इस लिहाज से S36 थोड़ी सी अपना, इसकी वैल्यू कम है, जबकि UL736 की ज़्यादा है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, 41% है। तो अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो इसमें UL736 ठीक है, और अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो वो भी UL736 की ठीक है, जबकि इसकी UL S36 की जो मोबिलिटी है वो 37% है। तो इसकी मोबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है गाइज। और अगर हम रेंज की बात करें तो UL736 की रेंज जो है वो 55% है, जबकि रेंज S36 एवल क्लोन की 43% है, और ये मैंने अपग्रेड की है। अगर हम अपग्रेड ना करते तो इसकी वैल्यू और भी कम होती। तो गाइज, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि UL736 जो है वो, अगर आप डैमेज रेट की बात करें तो 2% का डैमेज रेट है, वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अगर आप फायर रेट की बात करें तो फायर रेट में थोड़ी सी कम है UL736, अदरवाइज हर चीज़ में UL736 ठीक है, एक्यूरेसी में भी, मोबिलिटी में भी, रेंज में भी। तो गाइज, अभी मैंने आपको इनका कंपैरिजन बताया, और अब चल के मैं इनका आपको गेम प्ले भी दिखाऊंगा, और गेम प्ले में मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी कैसे एक्यूरेसी जो है S36 की ठीक नहीं है, जबकि इसकी UL736 की ठीक है। तो गाइस, चलिए चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो गाइस, अभी जो है मैंने अपना गेम प्ले शुरू कर दिया है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस गन का ना, ये देखें, मैं दूर से फायर करूँगा तो फायर एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं लगता, ये देखें। तो इस वजह से ना, तो इसका किल करना बहुत मुश्किल हो जाता है दूर से। अब देखना, मैं एक बंदे को यहाँ किल करने लगाऊँ, ये देखें, इसको एक जा के आप फिर भी इसका थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं। तो गाइस, नज़दीक से मेरा कहने का मतलब यह है कि गन जो है वो ठीक है, लेकिन अगर आप दूर से वर्क करें तो नहीं है। तो गाइस, अब मैंने UL736 आपको दिखाने लगा हूँ इसका गेम प्ले। अगर आप इससे दूर से खड़े होकर फायर करते हैं तो कैसा है, ये देखें। इसका अगर आप दूर से खड़े होकर फायर करें तो फायर रेट जो है वो अपना, डैमेज भी तकरीबन उतना ही है, और इसका जो है एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मुझे इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी लगी गाइस। तो
और अब मैं थोड़ा नज़दीक जा के भी फायर करता हूँ इससे। ये देखें गाइस, इसकी एक्यूरेसी तकरीबन काफ़ी अच्छी है गन की। अब ये देखें गाइस, तो गाइस अब फैसला आपने करना है कि इन दोनों में कौन सी गन अच्छी है, और आपको जो भी गन अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।